ओम शांति, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी नंबर 3963, क्लैरिफाइड ऑन 2/5/2022। प्रातः क्लास चल रहा था 19 जून 1964। द मॉर्निंग क्लास डेटेड 19th June 1964 वॉज इन प्रोग्रेस। तीसरे पेज की दूसरी लाइन में बाप कहते हैं, ये साधु लोग जो मेरा परिचय देते हैं वो भी रांग देते हैं। वी वर ऑन द सेकेंड लाइन ऑफ पेज 3। द फादर सेज माई इंट्रोडक्शन दैट दीज सेजेस गिव इज रॉन्ग। सब आत्माओं का बाप एक है। द फादर ऑफ ऑल द सोल्स इज वन। उन्होंने अनेक नाम दे दिए हैं। दे हैव गिवन हिम मेनी नेम्स। ये बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। द फादर सिट्स एंड स्पीक्स टू द सोल्स। उन देह अभिमानी साधुओं से बात नहीं करते। ही डजंट स्पीक टू दोज बॉडी कॉन्शियस सेजेस। समझाते हैं, ये सन्यासी भी अनेक प्रकार के हैं। ही एक्सप्लेन्स दीज सन्यासीज आर ऑल्सो ऑफ मेनी काइंड। उनका अनेक प्रकार के सन्यास। दे प्रैक्टिस रिनन्सिएशन इन मेनी वेज। तुम्हारा है ये प्रवृत्ति मार्ग। योर्स इज द हाउस होल्ड पाथ। उनका निवृत्ति मार्ग। देयर्स इज द पाथ ऑफ रिनन्सिएशन। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। व्हेन देयर वाज प्योरिटी इन भारत देयर वाज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अभी प्योरिटी नहीं है तो प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। नाउ व्हेन देयर इज नो प्योरिटी देयर इजंट प्रॉस्पेरिटी ईदर। सन्यासियों में भी प्योरिटी नहीं है। इवन द सन्यासीज डोंट हैव प्योरिटी इन देम। शहरों में घुस पड़े हैं। दे हैव एंटर्ड द सिटीज। तो प्योरिटी न होने के कारण प्रॉस्पेरिटी नहीं है। सब रोगी दुखी हैं। सो देयर इजंट प्रॉस्पेरिटी बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग प्योरिटी। एवरीवन इज डिजीज्ड एंड सोरोफुल। अभी भारत सारा दुखदाम है। नाउ द एंटायर भारत इज द अबोड ऑफ सोरो। भारत ही सारा सुखदान था। द एंटायर भारत इटसेल्फ वॉज द अबोड ऑफ हैप्पीनेस। अब बाप कहते हैं, बच्चे मेरे साथ योग लगाओ। नाउ द फादर सेज चिल्ड्रन हैव योग विथ मी। पहले तो निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं न कि परमात्मा हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड हैव फेथ। वी आर सोल्स एंड नॉट द सुप्रीम सोल। जैसे सन्यासी कहते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है, सब आत्मा है, परमात्मा है। जस्ट लाइक द सन्यासी से गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, ऑल द सोल्स आर सुप्रीम सोल। अरे परमात्मा की तो महिमा बहुत भारी है। अरे द ग्लोरी ऑफ द सुप्रीम सोल इज वेरी ग्रेट। गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। दे सिंग, यू आर माई मदर एंड फादर एंड वी आर योर चिल्ड्रन। तो मात पिता सर्वव्यापी अथवा बेअंत कैसे हो सकते। सो हाउ कैन द पेरेंट्स बी ओमनीप्रेजेंट और इटर्नल। भारतवासी धर्म भ्रष्ट और दैवी पवित्र कर्म भ्रष्ट हो गए। द भारतवासीज हैव बिकम करप्ट इन रिलीजन एंड करप्ट इन एक्शंस आफ्टर रिनाउंसिंग द डिवाइन एंड प्योर एक्शंस। सतयुग में सब पवित्र थे। एवरीवन वाज प्योर इन द गोल्डन एज। अब कलयुग में वही भारतवासी अपवित्र बन गए। The same Bharatvasis have become impure in the Iron Age now.
ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण है ना। ब्राह्मण देती क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र दीज आर क्लासेस aren't they? तुम हो डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। यू आर ब्राह्मण्स द डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा। आदिदेव ब्रह्मा को किसने जन्म दिया? Who gave birth to Adidev Brahma? बाप कहते हैं मैंने इसे में प्रवेश करके उनका नाम ब्रह्मा रखा। The father says, I entered him and named him Brahma. जो आदिदेव के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ, आदम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। He also became famous in the form of Adidev. He became famous in the form of Adam. इन ब्रह्मा नामधारियों को अडॉप्ट किया है। I have adopted those who have the name Brahma. ब्रह्मा को अनेक मुख दिखाते हैं ना। Many heads are shown to Brahma, aren't they? ये भागीरथ है, भाग्यशाली रथ। He is Bhagirath, that is the fortunate chariot. बाकी कोई लड़ाई आदि का मैदान नहीं है। As for the rest, it isn't any battlefield, etc. तुम हो अहिंसक। You are non-violent. हिंसा डबल होती है। Violence is of two kinds. एक तो होती है एक दो को मारने मरने की हिंसा, दैहिक हिंसा। वन इज द फिजिकल वायलेंस ऑफ किलिंग ईच अदर एंड डाइंग। दूसरी फिर दैहिक हिंसा है काम कटारी की हिंसा। सेकेंड इज द फिजिकल वायलेंस ऑफ यूजिंग द डैगर ऑफ लस्ट। बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है। द फादर सेज दिस लस्ट इज द ग्रेटेस्ट एनिमी। इस शत्रु से तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। यू हैव रिसीव्ड सोरो फ्रॉम दिस एनिमी इन द बिगनिंग मिडल एंड एंड। रावण राज्य द्वापर से शुरू हुआ है। द किंगडम ऑफ रावण हैज स्टार्टेड फ्रॉम द कॉपर एज। द्वैतवादी युग है जबकि ब्रह्मा की रात शुरू होती है। इट इज द ड्यूलिस्टिक एज व्हेन द नाइट ऑफ ब्रह्मा स्टार्ट्स। अज्ञान की रात है। इट इज द नाइट ऑफ इग्नोरेंस। ये संगम युग ही सबसे कल्याणकारी है सब युगों के मुकाबले। दिस कॉन्फ्लुएंस एज अलोन इज द मोस्ट बेनिफिशियल एज व्हेन कंपेयर्ड टू ऑल द अदर एजेस। संगम युग के पीछे और युगों में तो सब पीछे नीचे ही उतरते जाते हैं। आफ्टर द कॉन्फ्लुएंस एज एवरीवन जस्ट कीप्स डिसेंडिंग इन ऑल द अदर एजेस। देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, फिर शूद्र वर्ण में आना ही है। दे सर्टेनली हैव टू बिकम क्षत्रिय फ्रॉम बीइंग अ डेटी, देन वैश्य फ्रॉम अ क्षत्रिय एंड देन कम इन द शूद्र क्लास। अभी जो ब्राह्मण धर्म के होंगे वो ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनेंगे। नाउ दोज़ हु बिलोंग टू द ब्राह्मण रिलीजन देमसेल्व्स विल बिकम ब्रह्मा कुमार कुमारीज। देवताओं की यादगार मंदिर बनाने वाले कुछ भी नहीं जानते हैं। दोज़ हु बिल्ड द यादगार टेम्पल्स ऑफ द डेटीज डोंट नो एनीथिंग। ड्रामा अनुसार यादगार बनाए जाते हैं। द यादगार आर मेड अकॉर्डिंग टू द ड्रामा। और जो यादगार बनाए जाते हैं वो सब ब्लाइंड फेथ। एंड ऑल द यादगार दैट आर मेड इज आउट ऑफ ब्लाइंड फेथ। जैसे कि गुड़ियों की पूजा की जाती है। इट इज नेक्स्ट टू वर्शिपिंग डॉल्स। पूजा करने वाली बच्चियां कुछ जानती थोड़ी है। The daughters who worship them certainly don't know anything. 8-10 भुजाओं वाले मनुष्य तो होते नहीं है। There certainly aren't human beings with 8-10 arms.
ये भुजाएं तो जो विशेष विशेष सहयोगी हैं, उनकी यादगार दिखाई है। In fact, these arms are shown as the yadgar of the special helpers. तो भारत में अंधश्रद्धा बहुत है। So, there is a lot of blind faith in Bharat. परमपिता परमात्मा से विमुख करने वाले ये कलयुगी गुरु है। It is these iron age gurus who turn our face away from the Supreme Father, Supreme Soul. ये कलयुगी गुरु या तो कह देते हैं सर्वव्यापी है, या तो कहते बेअंत है। These iron age gurus either say God is omnipresent or they say He is eternal. परमपिता परमात्मा कहते हैं तो ये फादर बेअंत कैसे हो सकता? When they call him the supreme father, supreme soul, how can that father be eternal? आगे जो ऋषि मुनि थे थोड़े सात्विक थे तो सच कहते थे। Earlier, the sages and saints were somewhat sattvic, so they used to speak the truth. कि हम रचयिता और रचना का अंत नहीं पा सकते। We can't find the end of the creator and the creation. वो रचना और रचयिता का आदि मध्य अंत तो रचयिता ही बता सकते। It is the creator alone who can tell us the beginning, middle and end of the creation and the creator. अभी कलयुग के तमो प्रधान सन्यासी लोग तो फिर कहते हैं कि सर्वव्यापी है। Now the tamo pradhan sannyasis of the iron age say he that is God is omnipresent. उनसे भी जास्ती तमो प्रधान जो सन्यासी हैं वो कहते हैं शिवोम शिवोम तत्त्वम। The sannyasis who are tamo pradhan even when compared to them say शिवोहम, I am Shiv. शिवोहम तत्वम, you are also the same. तो ये धर्म की ग्लानी हुई ना। So, this is the defamation of religion, isn't it? बाप कहते हैं मेरी बहुत ग्लानी करते हैं। The father says, they defame me a lot. और जब जब ऐसी धर्म की ग्लानी होती है तब फिर मैं आता हूँ। एंड व्हेन दे डिफेम द रिलीजन इन सच अ वे इट इज देन दैट आई कम। भारत जीवन मुक्त था, अभी जीवन बंध में है। भारत वॉज लिबरेटेड इन लाइफ एंड नाउ इट इज बाउंड इन लाइफ। बाप आकर के सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। The father comes and gives liberation in life in a second. बाप से भारत को कल्प कल्प बेहद सुख का वर्षा मिलता है। भारत receives the inheritance of unlimited happiness from the father every cycle. मुक्ति का वर्षा, जीवन मुक्ति का वर्षा मनुष्य मनुष्य को दे ही नहीं सकते। A human being can't give the inheritance of liberation and liberation in life to a human being at all. कलयुगी गुरु है साथ डुबोने वाले। All these iron age gurus drown you. गाते ही है एक सदगुरु निराकार। It is certainly praised, the one incorporeal सदगुरु। ये पार ले जाने वाला एक ही सदगुरु है। It is the Sadguru alone who takes us across. तो बाकी सब झूठे हैं, डुबोने वाले। Rest of all the gurus are false. They drown you. तुम विश्व के रचयिता बाप द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हो। You are becoming the masters of the world through the father who is the creator of the world. बाप कहते हैं मैं तो निष्काम हूँ। In fact, the father says, I am selfless. ऐसे आत्माओं का बाप कहते हैं। The father of the souls says this. ब्रह्मा द्वारा तुमको विश्व का मालिक बनाए मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। I sit in vanprastha after making you the master of the world through Brahma.
अर्थात निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। इट मीन्स आई सिट इन निर्वाण धाम। गाया जाता है, दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न कोई। इट इज संग, एवरीवन रिमेम्बर्स गॉड इन टाइम्स ऑफ सोरो, नो वन रिमेम्बर्स हिम इन टाइम्स ऑफ हैप्पीनेस। कलयुग में दुख है ना बहुत। देयर इज अ लॉट ऑफ सोरो इन द आयरन एज, इजंट देयर? सतयुग में तो कोई याद नहीं करता। नो वन रिमेम्बर्स हिम इन द गोल्डन एज। अभी तो सभी भक्त एक भगवान को याद करते हैं। नाउ ऑल द डिवोटीज रिमेम्बर गॉड अलोन। फिर भक्त अगर सर्वव्यापी कह दें तो भक्त कैसे ठहरे? देन इफ द डिवोटीज कॉल हिम ओमनीप्रेजेंट, हाउ विल दे बी कॉल्ड डिवोटीज? ये तो भक्तों का उल्टा ज्ञान है। दिस इज सर्टेनली द रॉन्ग नॉलेज ऑफ द डिवोटीज। तो आप कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। बाप को बेअंत कह देते हो। द फादर सेज, हाउ इग्नोरेंट यू हैव बिकम दैट यू कॉल द फादर इटर्नल। बेअंत कह देते हो फिर वर्षा कैसे मिलेगा? व्हेन यू कॉल हिम इटर्नल, हाउ विल यू रिसीव द इनहेरिटेंस? आदर तो रचते हैं मुखवंशावली। The father certainly creates the Mukhvanshavali children. तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली। You are the Mukhvanshavali children of प्रजापिता ब्रह्मा। वो ब्राह्मण तो कुख वंशावली है, उनको कुख अर्थात गोद का बहुत नशा रहता है। In fact, those Brahmins are Kukhvanshavali. They have a lot of intoxication of the lap. देह अभिमानी है। They are body conscious. वो है देशमानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। They are bodily guides and you are spiritual guides. बाप सभी आत्माओं को कहते हैं अब तुम मुझे बाप को याद करो। The father tells all the souls, now remember me, the father. ऐसे बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए। You shouldn't forget such father. बाप को भूला तो वर्षा कैसे मिलेगा? If you forget the father, how will you receive the inheritance? बाप कहते हैं माम एकम याद करो। The father says, remember me alone. मुझे एक व्यक्तित्व को पहचान करके मुझे एक को याद करो। Remember me after recognizing me, the one personality. एक ही सृष्टि का रचयिता है। One alone is the creator of the world. बाकी तो सब रचना है। Rest of all the souls are creation. उन रचना से वर्षा नहीं मिल सकता। You can't receive the inheritance from those creations. अच्छा, आज सभा में चार पांच नए विजिटर्स आए हुए। अच्छा, 4 to 5 न्यू विजिटर्स हैव कम इन द गैदरिंग टुडे। इसलिए किसी बच्चे ने बोला बाप दादा की मुरली में बहुत करके पॉइंट्स में रिपीटिशन थी। दिस इज वाई अ चाइल्ड सेड टुडे देयर वर मैक्सिमम रिपीट पॉइंट्स इन बाप दादाज मुरली। बाप दादा बोले या माता पिता बोले? माता पिता बाप दादा का नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। बाप दादा सेड और द पेरेंट्स सेड रिमेम्बरेंस लव एंड गुड मॉर्निंग ऑफ द मदर फादर एंड बाप दादा नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रंस पुरुषार्थ। ओम शांति। ओम शांति।